एक किड्स वेलकम बैक टू माइब्रीज दिस इज खुशी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अर ये बुक ओके बुक इज लुकिंग अराउंड एनवाटल स्टडीज का चैप्टर ट्वेंटी और नाम क्या है नाम है ईटिंग टूगेदर सो ईटिंग टूगेदर का क्या मतलब होता है साथ में खाना खाना है ना ईटिंग टूगेदर साथ में खाना खाना राइट सो so, बट हम कब कब साथ में खाते हैं सो so, कोई भी अगर ओकेजन होता है ओकेजन जैसे कि जैसे कि हम अगर हमारे घर में किसी की वेडिंग हुई तो हम साथ में खाना खाते हैं राइट किसी का बर्थडे हुआ तो हम साथ में खाना खाते हैं कोई फेस्टिवल होते हैं तो भी हम साथ में फूड ईट करते हैं राइट कोई भी फेस्टिवल हुआ उसका हमने गेट टुगेदर रखा कोई पार्टी रखी तो हम साथ में सेलिब्रेट किया उस फेस्टिवल को तो हम साथ में ईट करते हैं फूड ओके और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं अगर हम क्लास में लंच ब्रेक होता है ऑफिस जो जाते हैं आपके जैसे मम्मी पापा तो उनके यहाँ भी लंच ब्रेक जो होता है उसमें भी आप क्या करते हो साथ में ही तो खाना खाते हो राइट सो तो ये ऑल ऑल द ओकेज ऑल द फेस्टिवल्स एवरीथिंग अपन हम साथ में ही करते हैं सो वाइल ईटिंग टूगेदर वॉट वी ऑल डू वी शेयर द फूड राइट right? हम शेयरिंग करते हैं हम फूड शेयर करते हैं हम बातें शेयर करते हैं ठीक है हम अपने कुछ 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 चीजें एक दूसरे को बताते हैं जिसमें हमें फन होता है राइट right? हम फन लविंग होता है दिन भर स्कूल में बैठा रहते हैं एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ते रहते हैं एक पीरियड दो पीरियड उसके बाद लंच ब्रेक होता है फिर हम साथ में बैठ के जैसे ही खाना खाते हैं सो बहुत मजा आता है बिकॉज हम ढेर सारी बातें करते हैं गेम्स खेलने लगते हैं खाते खाते दैट वॉज रियली आ फन सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट दैट ओनली कि कैसे ईटिंग टुगेदर एक फन है कैसे ईटिंग टुगेदर एक फन है सो इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल स्टोरीज हैं जो हम रीड करेंगे साथ में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी साथ में डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट स्टोरी व्हिच इज स्कूल पार्टी और क्लास पार्टी व्हिच इज क्लास पार्टी फर्स्ट स्टोरी नंबर 1 इज क्लास पार्टी स्टोरी का नाम क्या है स्टोरी का नाम है क्लास पार्टी इन दिस द स्कूल रिओपन टूडे आफ्टर द वेकेशन द शेयर न्यूज अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज़ तो स्कूल कैसे रीओपन हुए हैं वेकेशंस के बाद वेकेशंस यानी कि समर वेकेशंस विंटर वेकेशंस नहीं होते हैं आपकी ढेर सारी छुट्टियां होती हैं तो उसके बाद स्कूल वापस से खुले हैं अब वापस से स्कूल खुले हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें अपने फ्रेंड्स को बतानी होती हैं राइट कि छुट्टियों में ये हुआ था मैं वहाँ घूमने गई थी और मैंने ये सारी चीज़ें लर्न करी छुट्टियों में मैंने ये क्लास ज्वाइन की थी मैंने डांसिंग क्लास मैंने सिंगिंग क्लास मैंने ड्राइंग क्लास सो हमें सब कुछ शेयर करना होता है अपने किससे अपने फ्रेंड्स से तो एवरी चिल्ड्रन इज डिस्कसिंग देयर न्यूज अबाउट दे अबाउट दे हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज कैसे उनके हॉलीडेज बीते ये सब एक दूसरे से क्या कर रहे थे शेयर कर रहे थे राइट वेन डेड यू पुट मेहंदी ऑन योर पार्म्स मीना आज टू आरती मीना आस्ट आरती आरती ने मीना से क्या पूछा अरे तुमने मेहंदी कब लगाई हाथ में हम पूछते ना अगर किसी की कुछ नया दिखता है कि अरे तुमने मेहंदी कब लगाई हाथ में सुमीना so ने कहा आरती ने कहा एट माई अंकल्स वेडिंग अंकल की वेडिंग थी मेरे घर में एक वेडिंग थी तब मैंने लगाई वेडिंग यानी शादी होती है शादी होती है तो हम लोग हाथों में मेहंदी लगाते हैं सुंदर सुंदर राइट यू मस्ट हैव लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग डेविड से डेविड ने क्या कहा बहुत मजा आई होगी शादी में यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ फन एट द वेडिंग राइट

सो वीडिंग वेडिंग में हमने फ़न किया सारे कजन्स ने मिलके कजन्स कौन होते हैं हमारे अंकल एंड आंट के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन्स होते हैं लाइक like हमारे मामा मौसी बड़े पापा जो हम कहते हैं अपने पापा के बड़े ब्रदर को सो so, बड़े पापा चाचा चाची चा, ये सारे कौन होते हैं ये हमारे होते इनके बच्चे कौन होते हैं हमारे कजन्स होते हैं ठीक है एंड अदर रिलेटिव सारे रिलेटिव्स हम लोगों ने साथ में खाया और ढेर सारा फन किया ओके आरती सेड देन व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल सोचने का क्या हम ऐसा कुछ स्कूल में नहीं कर सकते लेट अस हैव सम फन टुगेदर रिहाना से आस्ट <coughs> उसने कहा क्या उसने क्या कहा कि चलो कुछ फन करते हैं अपन भी स्कूल में ओके okay? देन I have an idea. David said. David ने क्या कहा कि मेरे पास एक आइडिया है आई है किसने कहा डेविड ने कहा ओके वाई डोंट वी हैव अलास पार्टी डेविड ने क्या कहा कि क्यों ना हम क्लास पार्टी करें यानी क्लास में ही पार्टी करें क्लास में हम नॉर्मली वैसे छोटे मोटे तो ओकेजन बनाते रहते हैं स्कूल के फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं लाइक इंडिपेंडेंस डे एनुअल डे ये सारे फंक्शंस तो सेलिब्रेट होते ही हैं किसी का बर्थडे हुआ तो हमने सेलिब्रेट कर लिया पर विदाउट एनी रीज़न हम क्यों ना एक क्लास पार्टी करें देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टूगेदर उसने क्या कहा तो हम भी साथ में खाएंगे और मस्ती करेंगे वी हैव पार्टीज इन कॉल कॉलोनी वेन एवर देर इज़ अ फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम अपनी कॉलोनीज़ में पार्टी करते हैं राइट आप लोग भी करते हो गए पार्टी इस कॉलोनी में जैसे इंडिपेंडेंस डे हुआ दिवाली हुई गणेश चतुर्थी हुई ये क्या है बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं हमारे और अगर हम और भी फेस्टिवल्स की बात करें ईद हुआ क्रिसमस हुआ तो हम इन्हें भी सेलिब्रेट करते हैं अपनी कॉलोनी में कॉलोनीज में राइट सो इन फेस्टिवल्स को जब हम सेलिब्रेट करते हैं सो वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरी वन फॉर द पार्टी हम सबसे क्या करते हैं थोड़ थोड़ा थोड़ा मनी कलेक्ट कर लेते हैं और पार्टी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं वी कुक सम समिशेज एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट रिहाना सेट और कुछ डिशेज हम कुक करते हैं कुछ जो नहीं कुक करते वह हम मार्केट से खरीद के लाते हैं सो दीज ऑल थिंग्स वी डू फॉर आ पार्टी राइट सो कॉलोनीज में तो हम करते ही हैं नाउ दिस इज अ टर्न टू डू ए क्लास फिर रीना सेट रीना ने क्या कहा वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी रीना ने क्या कहा हमें फेस्टिवल की जरूरत नहीं है पार्टी के लिए अब पार्टी करना है तो पार्टी करना है पार्टी करने का मूड है तो पार्टी करना है सो so, पार्टी करना है तो हम रीना ने क्या कहा लेट्स डू अ पार्टी कोई फेस्टिवल की जरूरत नहीं है सैटरडे इज अ हाफ डे सैटरडे हमारा क्या होता है हाफ डे होता है डोंट वी प्लान टू हैव पार्टी देन क्यों ना हम उस दिन पार्टी करें सैटरडे वाले दिन

राइटी इन द फूड में ढेर सारी वेराइटीज थी दे प्ले सो मैनी काफी सारे games खेले साथ में एवरीबडीड so और सब रिलैक्स हो गए मजा आ गया सबको कि पार्टी हुई तो ढेर सारा वेराइटी देर वॉज सिंग एंड टू देस एंड डांस ऑल्सो ओके

सो so, कोई भी फेस्टिवल या फंक्शन अगर हमारे स्कूल में सेलिब्रेट होता है तो हम साथ में खाना खाते हैं या फिर लंच ब्रेक के टाइम पे भी हम साथ में खाना खाते हैं जो अकेले खाना खाना पड़ता है कभी कितना बोरिंग होता है वो कभी कभी तो हमें अकेले खाने का मन भी नहीं होता है अगर भूख नहीं है तो हम सोचते हैं कि छोड़ो छोड़ो कौन ही खाए अकेले राइट right? तो यही वैल्यू होती है साथ में खाने की सो so, हम कब साथ में खाते हैं गेट टुगेदर वाइल सेलिब्रेटिंग दी फेस्टिवल्स एंड फंक्शन सेलिब्रेट करते टाइम एंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक इन स्कूल वी ऑल्सो ईट टूगेदर लंच ब्रेक में भी हम साथ में ही खाना खाते हैं राइट ना क्वेश्चन है क्या आप लोगों ने कभी पार्टी की है क्लास में सो so, ऑफकोर्स किसी का बर्थडे होगा कभी कोई फेस्टिवल होगा कभी कोई ओकेजन होगा तो आप लोगों ने पार्टी हंड्रेड एंड वन परसेंट की होगी सो द आंसर इज येस Had a in our class. हमने काफी सारी पार्टीज की हैं क्लास में नाउ नेक्स्ट व्हेन एंड व्हाट ऑल यू डू टू अरेंज अ पार्टी हमें एक पार्टी को अरेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें इंडिपेंडेंस डे बनाना है तो इंडिपेंडेंस डे के लिए हमें कुक को बुलाना पड़ेगा जो क्या करेगा जो हमारे लिए फूड कुक करेगा राइट हम इंग्रेडिएंट्स लाएंगे जो हमारे खाने को बनाने में हेल्प करेंगे जो सारा मटेरियल होगा देन हम स्पार्कल लाइट्स लाएंगे स्पार्कल लाइट्स, लाइट्स क्यों अपने स्कूल को क्लास को डेकोरेट करने के लिए एंडटेशन कार्ड्स क्यों हमें अगर किसी को इन्वाइट करना है उसके लिए एंड व्हीकल्स फॉर द पिकिंग एंड ड्रॉपिंग गेस्ट और व्हीकल्स लाएंगे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए गेस्ट को सो द आंसर इज द पार्टी वॉज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे पार्टी क्यों थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे के लिए थे किस चीज के लिए पार्टी कर रहे थे आप ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे के लिए आपने क्या क्या अरेंज किया एको एक का अरेंज किया इंग्रीडियंट टू प्रिपेयर अ फूड स्पार्कल लाइट डेकोरेट करने के लिए इनविटेशन कार्ड्स लोगों को इनवाइट करने के लिए एंड व्हीकल्स फॉर द पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द गेस्ट व्हीकल्स आपने करी गाड़ियाँ करी कि आप लोगों को गेस्ट को लेके आओ और इन्हें वापस ड्रॉप करो सो so ये सारा अरेंजमेंट किया आपने एक फंक्शन के लिए नैक्स्ट क्वेश्चन वॉट डिड यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी आप लोग क्या लेके आए थे पार्टी के लिए So, आप लोग छोटी मोटी चीजें डेकोरेशन की यू ऑल्सो ब्रिंग लाइक बैलून्स फ्लैग्स सो वी ब्रॉट बैलून्स फ्लैग्स एंड स्पार्कल पाउडर क्या क्या लेकर आए आप बैलून्स फ्लैग्स एंड स्पार्कल पाउडर सो दीज ऑल थिंग्स यू ब्रॉट फॉर द पार्टी किसके लिए पार्टी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन What all did you eat? और आप ने खाया क्या पार्टी में सो so, हमने सबसे पहले क्या खाया, खाया। मोटा खाने को मिलता है that is snacks. उसके बाद हम ने फुल लंच किया सो फर्स्ट ऑल वी एट अक्स देन वी है लंच पहले हमने स्नैक्स खाए फिर हमने लंच खाया पर स्नैक्स में क्या खाया सो स्नैक्स में हमने खाए भी एट केक्स एंड पेस्ट्रीज हम व्हाट वी ईट केक एंड पेस्ट्रीज एंड लंच में वी ईट पुलाव दाल पूरी सब्जी एंड स्वीट्स सो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी ईट ऑन द फेस्टिवल्स ऑन द ऑन सम स्पेशल डे कुछ भी स्पेशल डे होता है तो हम बहुत टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं राइट नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो पीपल यू इनवाइटेड फॉर दी आपने पार्टी में किस so आते हैं पार्टी में right? और जो की भी फैमिली होती है वो भी आती है पार्टी में सो द आंसर इज ऑल द फैमिली ऑफ ऑलर्स ऑल दीज ऑल द टीचर्स राइट टीचर वर्क इन योर स्कूल दे आर आस्किंग क्वेश्चन क्या है कि क्या आपके स्कूल में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके स्कूल में वर्क करते हैं बट आप उनको पार्टी में नहीं बुलाते सो इज दिस राइट नो हम अपने सेलिब्रेशन में वी डी हु वर्क इन आर स्कूल हम सबको इन्वाइट करते हैं क्योंकि सेलिब्रेशन का पार्ट सबको होना चाहिए सो वी इन्वाइट एवरीबडी सो द आंसर इज नो ऑल दीपल हु वर्क इन माई स्कूल वर इन्वाइटेड जितने लोग मेरे स्कूल में वर्क करते हैं ऑल आर इन्वाइटेड ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिड यू वेर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी क्वेश्चन इज क्या आपने कोई स्पेशल ड्रेस वेयर करी थी पार्टी के लिए सो स्पेशल ड्रेस कैसे कोई भी सेलिब्रेशन होता है फंक्शन होता है सो so, हमको नॉर्मल स्कूल ड्रेस में नहीं कोई कलरफुल ड्रेस में जाने को मिलता है राइट वी आर गेट सो एक्साइटेड कि आप कलरफुल ड्रेस में जाने को मिलेगा स्कूल में सो द आंसर इज यस वी ऑल पार्टी ड्रेसेस हमने सबने क्या वेयर किया था पार्टी ड्रेसेस वेयर करी थी राइट right? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो वॉट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक द पार्टी ग्रेटर फन फॉर एवरी वन डिस्कस आपने और ज्यादा पार्टी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें अपनी पार्टी में कर सकते हो तो so, पार्टी किसके लिए थी पार्टी थी इंडिपेंडेंस डे की पार्टी किसकी थी पार्टी थी इंडिपेंडेंस डे की सो इंडिपेंडेंस डे में आप क्या कर सकते हो यू कैन सिंग पेट्रियाटिक सॉन्ग

प्ले भी किया प्ले क्या होता है एक ड्रामा होता है ड्रामा यानी स्किट जैसे कि हम पूरा एक्ट करते हैं उसमें दिखाते हैं कि हमारा देश में क्या क्या होता है राइट सो दिस ऑल वी कैन डू टू मेक पार्टी मोर फन ओके सो दिस इज इट हमने एक स्मॉल सी स्टोरी रीड कर ली है स्मॉल सी स्टोरी थी चा Uh, क्या स्कूल पार्टी क्लास पार्टी सो उसमें हमने क्लास में एक पार्टी करी एंड आई नो दैट ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर किसी ने क्लास में पार्टी नहीं की होगी वो भी दैट आर गोइंग टू डू दैट स्मॉल पार्टी और जितनी भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आपकी बुक में गिवन है रिलेटेड टू दैट स्टोरी वो सारे हमने डिस्कस किए हैं ओके अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है आई विल कम विथ मोर एंड मोर चैप्टर स्टिल देन यू हैव टू डू लुक मोर एंड मोर वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन थैंक यू